पे भोपाल में से होली खेलने के लिए आते थे, जिस रोज होली होती थी उसके दूसरे तीसरे रोज वो यहाँ पे आते थे। वो यहाँ के बाद में शहर के लोगों को जो गणमान नागरिक थे उनके साथ मिलकर होली खेलते थे, तो इसलिए 5 दिन की होली मनाई जाती पूरे खास तौर से अपना सीहोर और रास्ता के अंदर, ये प्रचलित है पहले से। बहुत सी बातें हैं कि उसमें जो राय बहादुर का खिताब दिए हुए थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम किया, और इस त्यौहार के अंदर उनकी पार्टिसिपेटरी रहती थी और वो मिलके यहाँ पे आते थे और सभी लोगों के साथ में मिलके होली खेलते थे। दो रोज यहाँ पे होता था, एक तो रंग अपना होता ही है मैं, उसके बाद दूसरा रोज होली के तीसरे दिन दूज का, भाई दूज का जो होता है उस रोज भी होली होती थी। वो दो रोज इस तरह से उनका आगमन के साथ में फिर जुड़ जाता था, इसलिए 5 दिन की यहाँ होली खेली जाती है। वैसे पारंपरिक रूप से तो ये माना जाता है कि यहाँ मालवा और बुंदेलखंड का एक मिली जुली संस्कृति है, और उसमें हमारे यहाँ जो फाग गाया जाता है वो समूह टोलियों के रूप में गाया जाता है, और चंग नाम का एक वाद्य होता है जो हाथ से बजाया जाता है, उसको लेके सभी समूह मिलते थे और कहीं ना कहीं ढोल मंजीरे के साथ में वो लोग अपने फाग गीत गाया करते थे, और काफ़ी प्रचलित था ये। जगह जगह चौराहा चौराहा पे जहाँ दुकानें खाली होती थी वहाँ लोग इकट्ठे होते थे और इस तरह होली को दिन भर मनाया जाता था। किसी तरह का कोई द्वेष जलन नहीं होती थी, लोगों में बड़ा प्रेम और अपनापन था, और साथ ही हर घर से कुछ ना कोई ऐसी मिठाई बनती थी जिससे लोगों में वितरित की जाती थी।